विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे, तो वहीं तीसरे चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, सद्भाव और बेहतर विकास के लिए एनडीए ही एकमात्र विकल्प है। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता को गुमराह करने के फेरे में। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्णिया जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि यह मार्च समाहरणालय परिसर से शुरू होकर शहर के अन्य प्रमुख चौक चौराहों तक गया। वहीं इस मार्च में स्कूली बच्चे सहित सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। 7 नवंबर को पूर्णिया जिले में मतदान की तिथि निर्धारित है। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में हम लोगों ने कैंडल मार्च न केवल शहर में बल्कि पूर्णिया के हरेक गांव, पंचायत और सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अपील की जा रही है सभी मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, स्वयं आएँ और अपने आसपास परिवार में, आस पड़ोस में जो भी मतदाता हैं, एलिजिबल जो भी वोटर हैं, उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 10 तारीख को काउंटिंग निश्चय किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे जो हमारा काउंटिंग सेंटर स्ट्रांग रूम जो है, उसका हम लोग सुरक्षा के उपाय और कैसे काउंटिंग करना है, किस रूम में क्या कैसे व्यवस्था करनी है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ गहन समीक्षा की है और सभी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीज़ों की समीक्षा की गई है। मेरे द्वारा कितने टेबल बनाए हैं? दो दो रूम दो दो हॉल बनाए गए हैं सभी विधानसभा क्षेत्र में, जिनमें 7-7 टेबल लगाए गए हैं और 14 टेबलों पर लगातार काउंटिंग होगी। इसके अलावा ETPVS और बैलेट पेपर के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक एक रूम अलग से रखा गया है, जिसमें ETPVS और बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, साथ साथ काउंटिंग किया जाएगा। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर ट्रेन से कटने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो राजा बाजार के निवासी हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर GRP थाना ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 7 बजे से बात हुआ कि कहाँ जा रहे हैं भैया, तो हम कल घर पे जा रहे हैं, औजार देगा कि नहीं, हम कल की नहीं देंगे। और बाद इससे कोई पता नहीं है कहाँ जाने। उसके बाद क्या सूचना मिला सुबह? उसके बाद हमको 10 बजे पता चल रहा है कि तुम्हारा भाई एक्सीडेंट करके ट्रेन पर गिरा हुआ है। ट्रेन पर कहाँ रहते थे, क्या करते थे? ये सर प्लम्बरी काम करता था, कारपेंटर का काम करता था। अलवर जिला के परासी थाना अंतर्गत शंकर पासवान के पुत्र गौतम कुमार का सड़क किनारे गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गया था, जिसके बाद उनके परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं इस संबंध में ब्लॉक स्टाफ शशि कुमार ने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।